सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आ चुका हूँ भाई एक बिल्कुल फ्रेश न्यू वीडियो लेके। एंड सीरियसली गाइस, आज की वीडियो में भाई काफी ओपी वाले अपडेट्स आप सभी को देने वाला हूं। तो गाइस, यहां पे हम लोग बात करेंगे अपनी गेम के अंदर आने वाला एक बिल्कुल न्यू पैड जो कि अपना ड्रैकी बैट है। एंड गाइस, ये आप सभी को किस तरीके से मिलने वाला है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही में गाइस, अपने गेम के अंदर काफी कुछ न्यू आइटम्स वगैरह आने वाले हैं, तो भाई उनका रिव्यू भी आप सभी के सामने करने वाला हूं। साथ ही में गाइस, आप सभी को मैं बताने वाला हूं जो अपने गेम के अंदर भाई OP 27 का अपडेट आएगा उसके अंदर गाइस आपको कौन कौन से न्यू चेंजेस मिलने वाले हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। एंड यहां पे गाइस, कुछ इवेंट्स की आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड टुनाइट अपडेट भी कवर करेंगे, आज रात 12 बजे गेम में क्या न्यू आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो भाई प्लीज एंड तक देख लेना आज की वीडियो। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आप लोग भाई बिल्कुल भी पूरा नहीं करते, तो यार जो बंदे न्यू आते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दे करो। एज जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे प्रेस कर ले करो, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पे आपको यार डेली वीडियो मिल जाती है एंड उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल फ्रेश वाली अपडेट बताता हूं। अगर गाइस आप लोग भी फ्री फायर के सारे अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो भाई करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करके रखो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करके रख लो। गाइस, मैं लाइक टारगेट रखता नहीं हूं, तो अपनी मर्जी से भाई कितने भी लाइक कर देना। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, तो जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया भाई प्लीज से जाके फॉलो कर लेना। तो चलो फिर गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने गेम में आने वाले कुछ न्यू अपकमिंग अपडेट्स। तो चलो फिर गाइस, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं अपने गेम में आने वाली एक बिल्कुल ही न्यू ग्लू बॉल की स्किन। एंड भाई सीरियसली, देखने में काफी ओपी लगती है एंड आप लोग देख सकते हो इस टाइप की ग्लू बॉल की स्किन काफी जल्दी गाइस अपने गेम के अंदर अवेलेबल होने वाली है। एंड जहां तक मेरे को लगता है यार, इस मंथ के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। इसका जो कलर है भाई ब्लू है एंड इसके फ्रंट में भाई एक स्टिकर भी बन रहा है जो कि भाई काफी ओपी लगता है। आप लोग इसका गेम प्ले भी देख सकते हो, जब गेम के अंदर आएगी आप लोग इसको यूज करोगे तो भाई कुछ इस टाइप की दिखेगी गेम के अंदर। अभी ओनली भाई यही पता चला है कि ये न्यू ग्लू बॉल की स्किन अपने गेम के अंदर आ रही है, अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई। टॉप अप इवेंट में आएगी, वेब इवेंट में आएगी, कैसे आएगी अभी कुछ भी भाई यहाँ पे कंफर्म डेट पता नहीं चली है, तो जैसी मेरे को पता लगती है मैं आपको सबसे पहले बताई दूंगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने गेम के अंदर आने वाली है काफी ओपी सी हैट जो की भाई ब्लैक कलर में आने वाली है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार, इस तरीके का आइटम जो भी है काफी जल्दी अपने गेम के अंदर अवेलेबल होगा। एंड देख लो यार, मेरे को तो ठीक ठाक लगी है, मतलब ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा पर यार ठीक लगी है। गाइस आप लोग कमेंट करके बता दो भाई आपको ये कैसी लगी है देखने में। ऐसा भी हो सकता है ये वाली हैट्स आप सभी को भाई फ्री में मिल सकती है, क्योंकि भाई इनमें कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है एंड इनकी डिजाइनिंग भी बहुत सिंपल सी है, तो काफी कम बंदे भाई पसंद करेंगे इसको डायमंड्स में लेना, तो जहां तक मेरे को लगता है शायद से भाई फ्री में अवेलेबल हो सकती है। गाइस अभी तक इस हेड का इवेंट किसी भी सर्वर के अंदर नहीं आया, ओनली अभी जो है यहाँ पे एक वीडियो क्लिप लीक होकर आई है जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखा दी है। और गाइस यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अपने गेम के अंदर एक बिल्कुल ही न्यू ग्रेनेड की स्किन जो कि भाई देख सकते हो यार, इस टाइप की ग्रेनेड की स्किन है। इसकी मैं आपको यार एनिमेशन दिखाता हूँ, यार एनिमेशन भी काफी ओपी है भाई इस वाली स्किन। तो गाइस ये वाली जो स्किन मिलेगी आपको एक कोलैबोरेशन वाले इवेंट में दी जाएगी, तो यहाँ पे भाई MTV करके कोई सा एक इवेंट आने वाला है, उस कोलैबोरेशन में भाई आपको जो है ये स्किन मिलेगी एंड शायद से उसी टाइम पे अपना स्कालर कैरेक्टर भी आएगा। तो गाइस जो अपना फ्री फायर स्कालर के साथ कोलैब कर रहा है, तो यार ये जो ग्रेनेड की स्किन बताई जा रही है उसी का पार्ट बताई जा रही है, मतलब जब अपना स्कालर वाला कैरेक्टर आएगा उसके इवेंट्स वगैरह स्टार्ट होंगे उस टाइम पे गाइस आपको ये वाली ग्रेनेड की स्किन देखने के लिए मिल जानी चाहिए। जहां तक मेरे को लगता है यार, कोलैबोरेशन के ज्यादातर आइटम आपको यार पेड ही करने पड़ते हैं, मतलब पैसों में मिलते हैं, तो ये फ्री में नहीं मिलेगी गाइस, आपको यार डायमंड्स वगैरह में मिलेगी। तो चलो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे भाई काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे गाइस आज की वीडियो में आप सभी को जानने के लिए मिल जाएंगे भाई जो अपना OP 27 का अपडेट आ रहा है उसके अंदर हमें कैसे कैसे चेंजेस मिल सकते हैं, तो उनके बारे में भाई लीक्स निकल के आ चुकी है। यहाँ पे गाइस जो पहला अपडेट निकल के आया है, सीरियसली भाई काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी के टाइम पे आप सभी लोग डबल वेक्टर का यूज कर सकते हो, मतलब दोनों हैंड में भाई जो है ना वेक्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ पे जो लीक्स निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो गाइस अपनी G18 वाली गन होती है उसको भी भाई आप लोग डबल यूज कर पाओगे, सेम जैसे आप लोग यार अपनी वेक्टर का यूज करते हो उसी तरीके से भाई आप लोग अपनी G18 वाली जो गन होती है उसको यूज कर पाओगे। तो यार ये वाला जो अपडेट निकल के आ रहा है ना, अभी 90% कंफर्म हुआ है, फुल कंफर्म नहीं है, बट जहां तक मेरे को लगता है शायद से भाई ऐसा अपडेट आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूं अपने OP 27 अपडेट में गाइस आपको एक न्यू कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा जो कि अपना फीमेल का कैरेक्टर है, लुक उसका ऐसा है आप लोग देख सकते हो। यहीं पे गाइस अगर इसके नेम की बात करी जाए तो यार इसका नेम बताया जा रहा है स्नोली, ठीक है, बट यार हो सकता है शायद इसका नाम चेंज भी हो सकता है। और अगर गाइस इसकी यहीं पे एबिलिटीज के बारे में बात करी जाए तो इसकी एबिलिटीज भाई काफी ओपी एबिलिटीज रहेंगी। तो गाइस इसकी जो एबिलिटीज रहने वाली है वे अपनी जो होती है भाई पैसिव एबिलिटीज रहेंगी। अगर आप लोग इस करेक्टर को लेके अपनी एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो आपका एनिमी जो है 5 सेकंड तक गाइस अपनी स्किल्स नहीं यूज कर सकता। अगर सामने वाले एनिमी पे डीजे अलोक है या फिर कोरोना करेक्टर है तो वही 5 सेकंड तक गाइस अपने करेक्टर को यूज नहीं कर पाएगा, मतलब कि गाइस ये वाला करेक्टर जो है सामने जो एनिमी होता है उसकी जो स्किल होती है उसको ऑफ कर देता है 5 सेकंड के लिए। मेरे हिसाब से तो काफी सही एबिलिटीज है गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस आपको इसकी एबिलिटीज कैसी लगी है। तो गाइस ये वाला जो करेक्टर रहेगा ये अपने जो होता है
27 अपडेट में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा अपने गेम के अंदर। शायद से गाइस ये वाला करेक्टर आप सभी को दिया जाएगा भाई अपने टॉप अप इवेंट में। चलो गाइस अब हम लोग बात करेंगे भाई अपने ड्रैकी पेट के बारे में। गाइस आप सभी को पता होगा ये जो पेट है अपना एडवांस सर्वर के अंदर अवेलेबल हुआ था, तो अभी तक इस जो ये पेट होता है अपने गेम के अंदर नहीं आया है। बट गाइस यहाँ पे जो है आपको ये काफी जल्दी जो है अपने गेम के अंदर अपना ड्रैकी पेट मिलने वाला है। एंड लीक्स के अकॉर्डिंग गाइस ये अपने सर्वर में भाई जो अपना फेडेड व्हील इवेंट होता है उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है। गाइस अगर आप ये वाला पेट अपने फेडेड व्हील इवेंट में आएगा तो इसके साथ में गाइस आपको फेडेड व्हील इवेंट में इसका जो है एक इमोट मिलेगा, साथ ही में जो इसकी स्किन होती है वो भी आपको फेडेड व्हील इवेंट में दी जाएगी। साथ ही में भाई ये पेट फेडेड व्हील इवेंट में मिलेगा। और यहाँ पे गाइस ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये फेडेड व्हील में ना मिलके अपने जो होते हैं टॉप अप इवेंट उसमें भी भाई अवेलेबल हो सकता है। अगर टॉप अप इवेंट में आएगा तो उसके अंदर भी आपको यही आइटम्स दिए जाएंगे, ये पेट दिया जाएगा, साथ ही में उसकी एक स्किन टॉप अप में दी जाएगी, साथ ही में एक इमोट भी दिया जाएगा टॉप अप इवेंट में। इन दोनों में से भाई किसी एक इवेंट में गाइस आपको देखने के लिए मिल सकता है, या तो अपने फेडेड व्हील इवेंट में आएगा या फिर आएगा अपने टॉप अप इवेंट में। वैसे गाइस इसकी जो होती है अपनी फेडेड व्हील इवेंट में आने की चांस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि यार काफी सारे सर्वर्स के अंदर भाई इसका फेडेड व्हील इवेंट ही आएगा। तो चलो गाइस अभी इसकी जो होती है एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार इसकी जो एबिलिटीज बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये वाला पैट है और आपके 10 मीटर के अंदर आपका कोई भी एनिमी भाई मेडिकेट यूज कर रहा है तो ये तुरंत भाई उसकी लोकेशन फाइंड कर देगा। काफी सही है, अगर कोई भी एनिमी आपके पास 10 मीटर के अंदर रह के भाई मेडिकेट वगैरह लगाएगा तो तुरंत भाई उसकी ये लोकेशन आप सभी को शो करा देगा। मेरे को तो यार इसकी जो होती है यहाँ पे एबिलिटीज भाई काफी सही लगी है। एंड गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको इसकी जो एबिलिटीज वगैरह है कैसी लगी है। अभी गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ, तो गाइस अपने गेम के अंदर आपको यार काफी जल्दी ये वाले बंडल्स अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी काफी सारे सर्वर्स के अंदर इन बंडल्स का इवेंट दे दिया गया है एंड ये काफी टाइम से अपने इंडिया सर्वर के लिए भाई पेंडिंग हो रखे हैं। काफी जल्दी गाइस आपको ये वाले बंडल्स दिए जाएंगे अपने गेम में। एंड इसका जो होता है मेल एंड फीमेल का दोनों ही बंडल किसी एक इवेंट में आपको मिल सकते हैं। गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस ये वाले जो बंडल्स हैं ये अपने गाइस अपने जो होते हैं अपने वेब इवेंट्स उसके अंदर ही आपको प्रोवाइड होंगे। तो देख लो यार इस टाइप के बंडल्स आ रहे हैं। एंड गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको ये वाले बंडल्स भाई लुक वाइज कैसे लगे। अभी गाइस हम लोग बात करेंगे अपने मिस्ट्री शॉप के बारे में। तो गाइस इस मंथ के अंदर जो हो सकता है आपको मिस्ट्री शॉप अवेलेबल हो सकती है एंड उसके अंदर गाइस जो अपने भाई नंगे वाले बंडल्स हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन की कोलैबोरेशन के पार्ट हैं, तो वे वाले बंडल्स गाइस अपने मिस्ट्री शॉप के अंदर भाई अवेलेबल हो सकते हैं। एंड साथ ही में जो अपना इलाइट पास होता है वो भी डिस्काउंट के अंदर आ सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग वाली चांस यहाँ पे निकल के आ रही है। गाइस जो अपना ये अटैक ऑन टाइटन वाला इवेंट रहेगा ये अपना काफी लेट स्टार्ट होने वाला है, मतलब ये जो है ना 20 तारीख तक ही स्टार्ट होगा, उस टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। तो उस टाइम पे गाइस आपको जो है मिस्ट्री शॉप भी देखने के लिए मिल सकती है एंड साथ ही में ये वाले बंडल्स अपने मिस्ट्री शॉप के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं एंड अपना इलाइट पास भी गाइस डिस्काउंट में आ सकता है। तो अभी भाई प्लीज से इलाइट पास मत परचेस करना आप लोग, यार यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वाली लीक्स निकल के आ रही है कि इस मंथ का जो इलाइट पास है भाई वो डिस्काउंट में आ सकता है, तो भाई प्लीज अभी मत परचेस करो आप लोग, इसलिए भाई मैंने भी अभी तक परचेस नहीं करा है। एंड यहीं पे अगर बात करी जाए टू नाइट अपडेट के बारे में, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो आज रात 12 बजे अपने गेम में क्या न्यू आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा 9:30 बजे के बाद हमारे चैनल की एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेनी है, उधर पे आपको टू नाइट अपडेट पता चल जाएगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतनी अपडेट्स देने थे एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।